शुरुआत करेंगे सबसे पहले MCX कॉटन से। रूपा जी देख रहे हैं MCX कॉटन एक के बाद एक लगातार तेजी दिखलाती जा रही है अब ऊपरी स्तरों पर भी। जहां पर पहले अनुमान जताया जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि ऊपरी स्तरों से जो बाजार है वो लुढ़क सकता है और काफी निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं, अब देख रहे हैं कि उसके बजाय उसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। 45,000 के बाद अब कॉटन यहाँ से 46,000 का आंकड़ा दिखा चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अब धीरे धीरे करके कॉटन 50,000 या उसके ऊपर का भी लेवल दिखा पाएगी? देखिए अभी के लिए अगर देखा जाए तो प्राइसेस के अंदर तेजी बनी हुई है और अभी जो नई जब तक अराइवल नहीं आती तब तक मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है ऊपरी स्तरों पर, और अभी तेजी जो है वो लगातार बनी रह सकती है क्योंकि अभी डिमांड फैक्टर जो है वो भी अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है। और इसी के साथ में हम अगर देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी पिकअप होते नजर आए हैं जिसकी वजह से कीमतों को डबल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। प्रोडक्शन वैसे ही इस साल कम रहा है लेकिन काफी वॉलेटिलिटी वाला रहेगा मार्केट, तो अभी छुटमुट तेजी की तरफ मार्केट बना रह सकता है लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल अभी यहाँ पर रिस्की हो सकती है तेजी। तो मेरे हिसाब से अभी 46,000-46,200 तक मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी अगर आती है तब आपको 48 से 50 का टारगेट हो सकता है देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए 46,000-46,200 तक ही सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी।